नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम इतिहास विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उसमें पांचवा पाठ स्वराज की स्थापना, इसका पहला भाग हमने पार्ट वन पिछले वीडियो में बताया था, इस पर अध्ययन हुआ था। उसका जो शेष भाग है आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वराज की स्थापना शिवाजी महाराज द्वारा की गई थी और उसका स्वप्न उनके पिता श्री शाहजी राजे द्वारा देखा गया था, और जिसके लिए उन्होंने शिवाजी को प्रारंभ से बचपन से ही उस तरह की शिक्षा दी, उसके लिए तैयार किया। शाहजी राजे दक्षिण के एक प्रभावशाली सरदार थे। शिवाजी महाराज को उनको संस्कार देने में सबसे बड़ी भूमिका उनके वीर माता जीजाबाई का था, और शिवाजी के बहुत से सहयोगी उनके इस कार्य में उन्होंने मदद किया। बहुत सारे उनके मित्र कुणालकर, जीवा माला, तानाजी मालुसरे, कानाजी जेगे, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नरस प्रभु देशपांडे, बहुत से सहयोगी उनको इस काम में सहयोग किया। उन्होंने एक राज मुद्रा जारी की। स्वराज की स्थापना की गतिविधियाँ, शिवाजी महाराज का मानना था कि जिसके पास किला होगा क्षेत्र उसका होगा, इसलिए वो किले को बहुत महत्व देते थे। राजगढ़ किले का प्रथम राजधानी, राजगढ़ स्वराज की प्रथम राजधानी बना। मुरुमदेव किले को उन्होंने अपने अधिकार में लिया। उसके पहले उन्होंने तोरणा, मुरुमदेव, पढ़ाड़ा, पुरंदर किले को ही अपने अधिकार में कर लिया और स्वराज की नींव रखी। मुरुमदेव किले की मरम्मत कर उसका नामकरण राजगढ़ किया गया। राजगढ़ स्वराज की प्रथम राजधानी बना, जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब उसके अगले का भाग हम देखेंगे। आदिलशाही में जावली के मोरे, मुधोल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत आदि सरदार थे। इन सरदारों को स्वराज स्थापना के प्रति विरोध था। स्वराज स्थापना के लिए इन सरदारों को सही रास्ते पर लाना आवश्यक था। जावली पर अधिकार, सतारा जिले में जावली नामक स्थान पर सरदार चंद्रराव मोरे था। वह आदिल शाह का पराक्रमी सरदार था। उसने स्वराज स्थापना के कार्य का विरोध किया। अतः ईस्वी सन 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया, उसे अपना केंद्र बनाया। इसके बाद रायगढ़ भी जीत लिया। जावली की विपुल संपत्ति उसके हाथ लगी। जावली को जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण में अपनी गतिविधियां तेज कर दी। उन्होंने जावली की घाटी में प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया। जावली पर विजय प्राप्त करने से उनकी सामर्थ्य में सभी प्रकार से वृद्धि हुई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिमंडी भी जीत लिए। इससे उनका पश्चिमी तट बसी पर बसी सिद्धि, पुर्तगाली और अंग्रेजी सत्ताओं से आमना सामना हुआ। यदि इन सत्ताओं से संघर्ष करना है तो हमें शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना होगा। यह बात शिवाजी महाराज के ध्यान में आया, अतः उन्होंने नौसेना निर्माण की ओर ध्यान दिया। अफजल खान का दमन, शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर और आसपास की आदिलशाही प्रदेश के किलों को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ किया। वे जावली के मोरे का विरोध कुचल चुके थे। कोंकण के क्षेत्र में स्वराज स्थापना के कार्य को गति प्राप्त हुई थी। ये सभी बातें जैसे आदिलशाही को चुनौती थी। उस समय आदिलशाही का प्रशासन बड़ी साहिबा चला रही थी। उसे लगने लगा कि शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करना चाहिए, इसलिए उसने आदिलशाही के बलवान और अनुभवी सरदार अफजल खान को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए कहा। अफजल खान बीजापुर से चलकर वाई आ पहुँचा। अफजल खान वाई प्रांत से भली बात परिचित था। वाई के निकट प्रतापगढ़ की तलहटी में 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान की भेंट हुई। इस भेंट में अफजल खान ने शिवाजी महाराज को छल कपट से हानि पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया और आदिलशाही सेना का दमन किया। अफजल खान का वध करने के बाद शिवाजी महाराज ने युद्ध में घायल हुए सैनिकों को मानधन दिया। युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को पुरस्कार दिए। अफजल खान की सेना के जिन सैनिकों और अधिकारियों को शिवाजी महाराज ने बंदी बनाया था, उनके साथ उन्होंने भलमनसाहत का व्यवहार किया। सिद्धि जौहर का आक्रमण, अफजल खान का दमन करने के पश्चात शिवाजी महाराज ने आदिलशाही के बसंतगढ़, बनहाला और खेलड़ा किले जीत लिए। खेलड़ा किले को विशालगढ़ नाम दे दिया। शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए आदिल शाह ने ईस्वी सन 1668 में कर्नूल प्रदेश का सरदार सिद्धि जौहर से शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने को कहा। उसे सलाबत खान की उपाधि थी। सिद्धि जौहर की सहायता के लिए
रुस्तम ए जमान, बाजी घोरपड़े और अफजल खान का बेटा फजल खान भी थे। इस स्थिति में शिवाजी महाराज पन्हालागढ़ में चले गए। सिद्धि की सेना ने लगभग 5 महीने पन्हालागढ़ को घेर रखा था। इस घेरे से निकलना शिवाजी महाराज के लिए कठिन हो गया था। नेतोजी पालकर ने बाहर से सिद्धि की सेना पर आक्रमण कर इस घेरे को हटाने का प्रयास किया, परंतु उसकी सेना बहुत कम थी, इसलिए यह प्रयास सफल नहीं हुआ। सिद्धि घेरा हटाएगा ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, अतः शिवाजी महाराज ने सिद्धि से बातचीत प्रारंभ की। इससे पन्हालागढ़ का घेरा ढीला पड़ गया। शिवाजी महाराज को इस स्थिति का लाभ प्राप्त हुआ। इस स्थिति में गढ़ का शिवा काशिद नामक पराक्रमी युवक आगे बढ़ाया। यह युवक शिवाजी महाराज जैसे दिखाई देता था। उसने शिवाजी महाराज जैसी वेशभूषा धारण की और पालकी में बैठ गया। यह पालकी राजदिंडी दरवाजे से बाहर निकल गई। सिद्धि की सेना ने इस पालकी को पकड़ लिया। यह घड़ी बड़े संकट की थी। शिवा काशिद ने स्वराज के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। इसी बीच शिवाजी महाराज दूसरे दुर्गम रास्ते से गढ़ से बाहर निकल गए। उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे और बांदल देशमुख सहित कुछ चुनिंदा सैनिक थे। शिवाजी महाराज पन्हालागढ़ के घेरे से निकलकर विशालगढ़ की ओर बढ़े। सिद्धि को यह समाचार प्राप्त हुआ। उसकी सेना ने उसका पीछा किया। सिद्धि की सेना को विशालगढ़ की तलहटी में रोकने का दायित्व शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे को सौंपा। बाजी प्रभु देशपांडे ने गजापुर के समीप घोड़दर्रा में सिद्धि की सेना को रोका। बाजी प्रभु की ने वीरता की पराकाष्ठा की, परंतु वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके सैनिकों ने सिद्धि की सेना को रोक कर रखा था। परिणामतः शिवाजी महाराज को विशालगढ़ की ओर बढ़ना संभव हुआ। विशालगढ़ जाते समय शिवाजी महाराज ने पालवन की दलवी और श्रृंगारपुर के सुरवे की विरोध का दमन किया। ये आदिलशाही के सरदार थे। इसके बाद शिवाजी महाराज सकुल विशालगढ़ पहुँच गए। जिस समय शिवाजी महाराज पन्हालागढ़ के घेरे में घिरे हुए थे, उस समय दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुए औरंगजेब बादशाह ने मुगल सरदार शाइस्ता खान को दक्षिण में भेजा। उसे पूरे प्रांत पर आक्रमण किया था। उस समय शिवाजी महाराज का आदिलशाही के साथ संघर्ष चल रहा था। इस स्थिति में दो शत्रुओं के साथ एक ही समय में युद्ध करना उचित नहीं होगा, यह शिवाजी महाराज के ध्यान में आया। अतः विशालगढ़ पर सकुशल पहुंचने के बाद उन्होंने आदिल शाह के साथ संधि कर ली। इस संधि के अनुसार उन्हें पन्हाला किला लौटाना पड़ा। यहाँ शिवाजी महाराज की स्वराज स्थापना का एक चरण पूर्ण हुआ और अपना 5वां पाठ भी यहाँ पूर्ण हो। होता है इस पाठ के आधार पर नीचे दिए गए स्वाध्याय हैं। समूह में संगति न रखने वाला शब्द ढूंढो। तुमको अपने पुस्तक की सहायता से दिए गए जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं उन सभी को तुम्हें लिखना है। धन्यवाद।